हेलो गाइस, वेलकम टू डोरस्टेप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो हमने चैप्टर जो करना है वो है रूरल लाइवलीहुड। ये पॉलिटिक हमारे 8th लेसन है, तो ये हमारा सेकेंड लास्ट लेसन है वैसे तो। रूरल लाइवलीहुड होता क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रह रहे होते हैं उनकी आजीविका का साधन क्या होता है, वहाँ पर जो लोग हो रहे होते हैं वहाँ अपने जीवन का जो निर्वाह है वो कौन कौन से कामों को करके करते हैं। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि यहाँ पर लोग कौन सी फसलें उगाते हैं, कौन से कामों में लगे हुए हैं। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। क्या उनको वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, पैसे कमाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या वो वहाँ पर उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही इक्वली, जैसे कि शहरों में लोगों को मिल रही है, जैसे बाकी लोगों को मिल रही है। तो मेनली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक किसान है, खेती कर रहा है, यहाँ पर मछुआरे हैं, ठीक है, वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं, यहाँ पर एक पर्सन सब्जियाँ बेच रहा है और यहाँ पर मजदूरी की जा रही है। तो यहाँ पर आप कितने सारे काम हैं जो किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, और यहाँ पर एक पर्सन की शॉप है। तो यहाँ पर मेनली कल्पट्टू विलेज की बात की गई है जो कि हमारे तमिलनाडु में है। तमिलनाडु आपको पता है कि कोस्टल स्टेट है, जो कि कोस्टल एरिया के साथ लगता है। तो यहाँ पर मेनली लोग कौन कौन से काम करते हैं, मेनली यहाँ पर लोग नॉन फार्म वर्क भी करते हैं, जैसे कि बास्केट बनाना, यूटेंसिल्स, पॉट्स, जो घुमियार होता है, ब्रिक्स, ब्लॉक कार्ड, जो बैलगाड़ियाँ होती हैं, मेनली यहाँ पर इन सभी का काम किया जाता है। और यहाँ पर और भी लोग हैं जैसे कि लोहार हो गया, ब्लैक स्मिथ, नर्सेज, टीचर्स, वॉशरमैन, वेवर्स, बाबर एंड साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स एंड सो ऑन, कितने सारे यहाँ पर काम किए जाते हैं। तो मेनली यहाँ पर आपको शॉप्स भी मिल जाएंगी, शॉपकीपर जो दुकानदार होते हैं, ट्रेडर्स जो व्यापारी होते हैं, और यहाँ के आपको बाजार में आपको छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर आपको जो चाय की दुकान है, टी शॉप्स, ग्रॉसरी शॉप्स, बार्बर शॉप, क्लोथ शॉप, टेलर भी मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर फर्टिलाइज़र एंड सीड शॉप्स भी आपको, यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो मेनली इन्हीं के बारे में बात कही हुई है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो मेनली काम क्या करते हैं, मेनली यहाँ पर वो पैडी उगाते हैं, मतलब कि वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं। और ये जो विलेज है, मेनली ये वाला एरिया, ये छोटे छोटे जो पर्वत होते हैं, हिल्स होती हैं, इनके साथ ये घिरा हुआ है। तो मेनली यहाँ पर यही सब काम करते हैं। तो अब देखेंगे हम कि ये, अब तुलसी, तुलसी के बारे में बात करेंगे। ऑल ऑफ अस हेयर वर्क ऑन रामालिंगम लैंड, को ये बात बताई जा रही है कि हम सब यहाँ पर आते हैं और ये रामालिंगम की जो धरती है वहाँ पर हम काम करते हैं। उसके पास कितनी ज़मीन है, उसके पास 20 एकड़ ज़मीन है, 20 एकड़ ज़मीन है किसकी, पैडी फील्ड्स की, जहाँ पर खेती की जाती है चावल की, इन कल्पट्टू में। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड, कहते ये शादी से पहले भी यहाँ पर वो काम किया करती थी। कितने से कितने बजे तक, वो मेनली 8:30 से लेकर 4:30 बजे तक, सवेरे के 8:30 से शाम के 4:30 बजे तक वो शाम के टाइम काम किया करती थी। करुथम्मा रामालिंगम वाइफ, ये कौन है कि इन्होंने कहा है कि ये जो करुथम्मा है ये रामालिंगम की वाइफ है, वो क्या करती है, हम पर निगरानी रखती है। तो यहाँ पर कहा हुआ है, दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड अ रेगुलर वर्क, यहाँ पर बहुत ही सालों में कुछ बहुत ही कम टाइम ही होता है कि हमें जो रेगुलर काम है वो मिल जाए। नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पैडी, कि हम अभी क्या कर रहे हैं, वो मेनली वहाँ पर इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं। ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है, उसकी रुपाई कर रहे हैं कि जब ये प्लांट थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो वो फिर से हमें यहाँ पर बुलाएंगे, और वीडिंग के लिए जो वहाँ पर और सारे जो प्लांट्स वहाँ पर उग जाते हैं ना, अनवांटेड प्लांट्स, उनको खाड़ने के लिए बुलाएंगे, और फाइनली वंस अगेन इन हार्वेस्टिंग, जब फसलों की कटाई होगी फिर भी हमें बुलाया जाएगा। तो ये इन्होंने मेनली अपनी कहानी बताई हुई है कि रामालिंगम हमें 40 रुपये दिन के दिया करता था, जो कि लिटल लेस देन वट लेबरर्स गेट इन माई होम विलेज, कि इनके गाँव में जो लेबर इनको मिलती है तो वो उससे थोड़ा सा कमी है, कि बट आई कम हेयर बिकॉज आई डिपेंड ऑन हिम, कि मैं यहाँ पर क्यों आती हूँ, क्योंकि मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ, उस पर निर्भर हूँ। उन्होंने उसने कहा कि यहाँ पर जो मेरा हस्बैंड है, ठीक है, मेरा हस्बैंड का क्या नाम है, उनके हस्बैंड का नाम है रमन, इज ऑल्सो अ लेबरर, कि वो भी मजदूर है, हमारे पास कोई धरती नहीं है, और वो क्या करता है, वो पेस्टिसाइड जो होती है ना, कीटनाशक दवाइयाँ कीड़े मारने के लिए जो खेतों में, वो उसको वहाँ पर स्प्रे करता है, और उसके बाद वो थोड़ा बहुत मिट्टी मुट्टी वाला काम करके फिर आ जाता है घर पे, और हमें ये सब करना पड़ता है क्योंकि हमें अपना घर का गुजारा भी चलाना होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि विलेज में लोग कैसे काम करते हैं। ये मेनली अगर एक पर्सन की बात कही गई है तो मैक्सिमम किसानों की यही सिचुएशन ही होगी। सो आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, कि वो घर का मेनली काम करती हैं, और वहाँ पर वॉश क्लोथ्स, कपड़े कपड़े धोने का काम, जो कि यहाँ पर इनके द्वारा किया जाता है। आई गो विद अदर वुमेंस,
वो और भी जो औरतें हैं उनके साथ भी क्या करने जाते हैं, जो जंगलों से लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और 1 किलोमीटर तक ये चलकर जाते हैं। फिर इसके बाद फिर ये वहाँ से पानी लाते हैं और उनके जो हस्बैंड है वो उनकी हेल्प करते हैं ये सभी सामान इकट्ठा करने में। और इनके 2 बेटियाँ भी हैं। तो ये यहाँ पर इनकी कहानी बताई हुई है। तो ये कितने सारे काम करते हैं अपने गुजारा के लिए। तो यहाँ पर मेनली देखा हुआ है कि मेनली जून से काम शुरू होता है और कब तक ख़त्म से चलता है, नवंबर तक। तो ये कितने टाइम फ्री रह रहे हैं, ठीक है, दिसंबर तक यहाँ पर काम चल रहा है, तो मेनली जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल, तो मेनली ये 5 मंथ्स तक फ्री रहते हैं, ठीक है। तो इनको 4-5 महीने कोई काम नहीं मिलता, तो ये सारा दिन ऐसे ही रहते हैं। तो अभी देखेंगे हम, तो हमने ये देखा कि जो तुलसी की कहानी थी इसमें मेनली जो पुअर फैमिलीज हैं रूरल एरिया की स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, कि वो बहुत ही ज़्यादा समय लगाती हैं किसमें, जो कलेक्टिंग फायरवुड, जो लकड़ियाँ हैं पानी के लिए और अपने जो पशु हैं उनको चराने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम इनको लग जाता है। इनके पास इतने पैसे भी नहीं होते, ठीक है, दे डू नॉट अर्न एनी मनी, कि ये सब काम करने के बाद भी वो इतने पैसे कमा नहीं पाते, क्योंकि ये सब काम तो लकड़ियाँ बीनने के उनको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ना उनको पशु चराने के कोई पैसे मिलेंगे। तो ये सभी काम उनको वैसे करने पड़ते हैं अपने जीवन के गुजारे के लिए। तो फैमिली नीड्स टू स्पेंड टाइम डूइंग दिस एज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन द लिटल मनी दे अर्न, कि उनकी जो फैमिली है वो इतने थोड़े से पैसे में वो जीवित रह नहीं पाएगी, इसलिए उनको ये जो सारे काम है वो करने पड़ते हैं। और यहाँ पर एक फैक्ट पेश किया हुआ है, 2/5 जो रूरल फैमिलीज़ हैं वो खेती बाड़ी वाले सेक्टर में लगी हुई हैं, मीन्स कि खेती बाड़ी में वो लेबर का काम करते हैं हमारे देश में, जिनके पास या तो बिल्कुल ही ज़मीन नहीं है या फिर बहुत ही थोड़ी सी ज़मीन है, जैसे कि तुलसी की यहाँ पर सिचुएशन है। नॉट बींग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर फोर्सेज पीपल इन मैनी रूरल एरियाज टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ वर्क, कि जब जब उनको काम नहीं मिलता तो उनको दूसरे शहरों में क्या करना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है, दूसरे शहरों में जाना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। अब यहाँ पर एक बात कही गई है यह शेखर की, ठीक है, शेखर की अब देखेंगे हम, वी हैव टू कैरी हिज पैडी टू आवर हाउस, कि उसकी जो फसल है, ये जो फसल है इसको हमें अपने घर में लाना पड़ता है, हमारे पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं, सिर्फ 2 एकड़ की ज़मीन है, और हम ये सब काम कैसे करते हैं, ये सब हम काम खुद ही करते हैं, और ये जो काम है इस जो टाइम में इसमें हम ये छोटे किसानों की मेनली हेल्प लेते हैं, और जो ट्रेडर्स हैं ट्रेडर्स इनको बीज देते हैं और फर्टिलाइजर्स एज अ लोन, कि इनको बीज देंगे और फर्टिलाइजर देंगे एज अ लोन, आप समझ पा रहे हो, पैसे नहीं कि सिर्फ बीज और जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको सीधा लोन के रूप में दे देंगे। और वो लोन की वापसी के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, जब उनको लोन वापस करना होगा तो वो जो फसल उन्होंने उगाई होगी वो सारी फसल उनको ही बेचनी पड़ेगी, भले ही वो कम प्राइजेस में हो। तो वो क्या होता है कि उनको कम प्राइजेस में ही उनको वो जो फसल होती है वो उनको बेचनी पड़ती है, और वो रेगुलरली एजेंट्स भेजते रहते हैं कि आपको ये जो फसल है हमें ही बेचनी है, किसी और को नहीं देनी। सो वो बोलते हैं कि ये जो 60 बैग्स हैं, जो 60 बोरे हैं पैडी के, ये मेरे खेत से निकलते हैं, तो इसको मैं बेच देता हूँ लोन के लिए, और जो थोड़ा बहुत बचता है वो अपने घर के लिए लाता हूँ। और नेक्स्ट टाइम क्या होता है, आई विल बी लास्ट ओनली 8 मंथ, ये काम सिर्फ मेरे को 8 महीने तक ही मिलता है और बाकी के महीनों में मैं फ्री रहता हूँ। सो आई नीड टू अर्न सम मनी, तो इसके लिए उसको और पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण वो रामालिंगम के खेत में, रामालिंगम जो है रामालिंगम की राइस मिल है, ठीक है, उसमें वो काम करता है। तो वो वहाँ पर मेनली क्या काम करते हैं, पैडी को कलेक्ट करते हैं दूसरे फार्मर से, और यहाँ पर मेनली काम किया जाता है। उनके पास शेखर की बात की गई है कि इनके पास एक हाइब्रिड गांव है जिससे वो मिल्क निकालते हैं और वहाँ के लोकल कोऑपरेटिव्स को वहाँ पर बेच देते हैं, तो इससे थोड़े बहुत उनको पैसे आ जाते हैं। ऑन बींग डेप्ट, कि ये कर्जे वाली बात कही हुई है कि जो फार्मर है शेखर जैसे, ये क्या करते हैं, ये बोरो मनी, पैसे उधार लेते हैं, किसके लिए, परचेज बेसिक थिंग, इनको छोटी मोटी चीज़ों के लिए जैसे कि सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, कीटनाशकों के लिए भी इनको लोन लेना पड़ता है। सो जब भी ये लोन लेते हैं तो ये क्या करते हैं, ये सीड्स होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, घटिया क्वालिटी के सीड्स होते हैं, या फिर जो पेस्ट होते हैं, ठीक है, जो कीड़े मारने वाली दवा होती है ये भी अच्छी नहीं होती, तो ये जो पेस्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी क्रॉप्स को तबाह कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो जो डेप्ट का जाल है, ठीक है, जो डेट का जाल है वो कर्जे में ही फंसे रह जाते हैं। द क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी रूइंड बाय द मानसून डज नॉट ब्रिंग एनफ रेन, कि जब बारिश ना हो, फिर अगर बारिश ना हो तो फिर उनकी जो फसल होगी वो तबाह हो जाएगी।
सो जब ये होने के बाद जो फार्मर्स होते हैं समटाइम्स आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन्स, कि वो अपने जो लोन्स हैं वो नहीं दे पाते, तो इससे क्या होगा फॉर द उनके लिए जो जो फैमिली होती है उनको फिर उनका गुजारा करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो थोड़े बहुत पैसे लेते हैं इनसे ही वो गुजारा करते हैं, जो भी उनको थोड़ा बहुत जो फसल से बेच कर आता है, तो उनको और पैसे लेने की ज़रूरत पड़ती है घर के गुजारा करने के लिए। तो ये जो लोन है एक टाइम पे इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो बिल्कुल ही पे नहीं कर पाते। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन से दैट कॉट इन डेट, कि ये इसी को कहा जाता है कि कर्जे में आदमी फंस जाता है। इसलिए किसान है जो मेनली हमें जो खबरें आती हैं सुसाइड की इसी कारण आती हैं कि वो लोन ज़्यादा ले लेते हैं और उनकी फसल तबाह हो जाती है, तो फिर पैसे दे नहीं पाते, तो घर के गुजारा के लिए उनको लोन मजबूरी में लेना ही पड़ता है। और रामालिंगम एंड करुथम्मा की बात की गई है कि ये रामालिंगम पता है ना आपको कि सबसे अमीर किसान था। इन एडिशन टू लैंड, जो रामालिंगम की जो फैमिली है इनके पास राइस मिल भी है, इनके पास शॉप भी है, किसकी सेलिंग सीड की, बीज भी बेचते हैं, पेस्टिसाइड्स क्या होती हैं जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं वो भी बेचते हैं। तो यहाँ पर राइस मिल्स के लिए वो क्या करते हैं, वो यूज़ सम ऑफ देयर ओन मनी एंड ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक, कि ये अपने इस राइस मिल को चलाने के लिए मेनली क्या करते हैं कि ये पैसे उधार लेते हैं, किससे, सरकार से, गवर्नमेंट बैंक से उधार लेते हैं। दे बाय पैडी, और वहाँ पर वो जो लोकल गांव वाले होते हैं उनसे ही वो वहाँ की जो पैडी होती है वो खरीदने के बाद, चावल खरीदने के बाद, और ये राइस को क्या करते हैं ये दूसरे ट्रेडर्स को बेच देते हैं वहाँ पर जो और शहरों में होते हैं। तो इनसे उनको क्या होता है कि उनको काफ़ी सारे पैसे मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि मेनली एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया, कि जो भारत के जो किसान हैं, भारत के जो लेबर्स हैं और किसान हैं वो उनके बारे में देखेंगे। ये जो कल्पट्टू विलेज की जो बात कही गई थी, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं कौन से, तुलसी शेखर जैसे जो किसान हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे किसान थे जिनके पास ज़मीनें बहुत कम थी या फिर बिल्कुल ही नहीं थी, तो इनके गुजारे के लिए भी पैसे इतने ज़्यादा हुआ नहीं करते थे। तो ये क्या करते हैं, ये बिग फार्मर्स जो हैं, बड़े बड़े किसान हैं, उनके खेतों में काम करते हैं, जैसे कि रामालिंगम की इसमें बात कही गई है। तो इन इंडिया नियरली 2 out of every 5, मेनली कि जो हर 5 रूरल फैमिली में से जो 2 किसान 2 लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो मजदूरी करते हैं। किस में मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी में मजदूरी करते हैं अपने फैमिली का पेट पालने के लिए। तो ये क्या करते हैं, ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन वर्क दे डू ऑन अदर पीपल फेल टू अर्न अ लिविंग। तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे के खेतों में काम करते हैं, किस लिए, उनके एक लाइवलीहुड, थोड़े से पैसे कमाने के लिए, आजीविका कमाने के लिए दूसरे को खेतों में उनको निर्भर होना पड़ता है। सो मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर में ऑन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, कि कईयों के पास तो बिल्कुल ज़मीनें नहीं हैं और कईयों के पास बहुत ही थोड़ी सी ज़मीन है। मेनली जो यहाँ पर एक फैक्चुअल बात कही गई है कि जो भारत में 80% जो किसान हैं वो क्या करते हैं, वो गरीब हैं, और सिर्फ 20% जो किसान हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। और यहाँ पर जो टेरेस फार्मिंग की जाती है वो नागालैंड में भी की जाती है। चिजामी यहाँ पर एक विलेज है जहाँ पर एक चखे संघ नाम का एक कम्युनिटी है, वो मेनली यहाँ पर टेरेस कल्टीवेशन करती है, सीढ़ी नुमा खेती जो होती है। आपने बस इतना याद रख लेना है इसमें से, ये बात को बाई चांस पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि ये कौन सी कम्युनिटी, उस कम्युनिटी का नाम बताओ जो कि नागालैंड में टेरेस फार्मिंग करती है। तो आपने याद रखना है उसका नाम है चखे संघ, चखे संघ उसका नाम है। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट। तो मेनली जो पीपल है रूरल एरियाज़ के डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, कि वो जंगलों से जो होती हैं लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा करते हैं, एनिमल हस्बेंड्रीज जानवरों को पालकर अपना पेट पालते हैं, या फिर डेयरी प्रोड्यूस की जो भी वो दूध वगैरह निकालते हैं, या फिर फिशिंग, फिशिंग के बारे में भी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन सम ऑफ द विलेजेस इन द सेंट्रल इंडिया, यहाँ पर बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट, कि ये जो है सेंट्रल इंडिया में फार्मिंग भी की जाती है और जो कलेक्शन है फॉरेस्ट से वो भी की जाती है, उनके जो लाइवलीहुड है उसका जो मेन कोर्स है, जैसे कि वो महुआ एक फ्रूट है और तेंदू लीव्स, हनी, शहद, इन सभी को क्या करते हैं वो ट्रेडर्स को बेच देते हैं। सिमिलरली सेलिंग मिल्क, सी वो दूध वगैरह भी बेचकर अपना गुजारा करते हैं। और कोस्टल एरियाज़ में रह रहे लोग क्या करते हैं, कोस्टल एरियाज़ में रह रहे लोग मेनली फिशेस जो होती हैं, फिशेस को गांव वालों को बेच देते हैं। फाइंड फिशिंग विलेजेस, मछलियाँ पकड़ने के बाद उसको बेचकर थोड़ा बहुत क्या करते हैं अपना गुजारा कर लेते हैं। और यहाँ पर एक फैमिली की बात कही गई है अबाउट अरुणा एंड पारिवेलन, ठीक है, अरुणा एंड पारिवेलन वो पुडुपेट में रहते हैं जो कि कलपट्टू विलेज के पास में ही है।
तो यहाँ पर अरुणा एंड पारी वेलन ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये फिशेज पकड़ कर लाते हैं और अपना ऐसी तरह जो रोज का गुजारा करते हैं। अब हम बात करेंगे रूरल लाइवलीहुड्स की, क्योंकि यहाँ पर जो पीपल हैं रूरल एरियाज़ में जो रह रहे होते हैं वो कैसे कमाते हैं पैसे। दे अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज, कि वो बहुत सारे तरीक़ों से पैसे कमाते हैं। कुछ फार्म में जो वर्क कर लेते हैं, जैसे कि वो रुपाई, प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, ये सभी काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं। तो वी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप, कि ये जो फसलें उगाते हैं मेनली वो इस पर ही निर्भर रहते हैं। तो यहाँ की जो लाइफ है रिवॉल्व अराउंड सर्टेन सीजन, कि इनकी जो ज़िंदगी है वो कुछ सीजन पे ही निर्भर है, कि यहाँ पर इतने सीजन में इतनी अगर उनकी फसल उग रही है तो वो उतने टाइम ही काम कर पाते हैं। मीन्स कि वो उतने टाइम ही सिर्फ वहाँ पर खेतों पर निर्भर रह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो खेती बाड़ी है वो सारा साल नहीं की जाती, कि कुछ फसलें होती हैं वो सिर्फ सीजन में ही उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर पीपल हैं बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग के टाइम पर वो बिजी रहते हैं, और रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, कि यहाँ पर और फसलें भी उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर मेनली जो काम किया जाता है वो छोटे मोटे काम किए जाते हैं, और इन छोटे मोटे कामों को करने के लिए भी जो फैमिलीज होती हैं इनको पैसे उधार लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर और ये जैसे कि खेती बाड़ी कर ली इन्होंने, फिशिंग कर ली फैमिलीज़, क्राफ्ट पर्सन छोटे मोटे हाथ से बनाने वाले काम कर लिए, तो ये यहाँ पर इनको सारा साल ये काम नहीं मिलता, किसी ना किसी टाइम पर ये इनका जो काम होता है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ था नहीं, ये हमारा चैप्टर ख़त्म करते हैं। आपका सेशन देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।